सिंह, बिच्छू, सर्प, तेंदुआ आदि अनेक जीवों के घातक हैं, अतः उनको मारने से अनेक जीव बच जाएंगी, इससे पुण्य बंद होगा, ऐसा श्रद्धा नहीं करना चाहिए। ग्रस्त एक इंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, किंतु असावधानी पूर्वक कार्य करना नहीं चाहिए। जैसे नल खुला छोड़ना, गैस चूल्हा खुला छोड़ना, पंखा खुला छोड़ना, लाइट जलती छोड़ना। यदि कहीं पिकनिक मनाने के लिए गए, पार्क में बैठे बैठे घास को उखाड़ रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, इधर उधर से निकलते वक्त वृक्षों के पत्तों को तोड़ रहे हैं, इत्यादि कार्य हिंसा के कारण हैं, सावधानी रखनी चाहिए। कोई जीव हिंसा करते हुए भी सुखी है तो उसके पूर्व पुण्य का उदय चल रहा है, और हम अहिंसा धर्म का पालन करते हुए भी दुखी हैं तो हमारा पूर्व कर्म का पाप का उदय चल रहा है, इसलिए हमको अपने धर्म से चलायमान नहीं होना चाहिए। धर्म के निमित्त से यज्ञ संबंधी हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म के निमित्त से देवताओं के लिए भी बलि आदि देने के लिए प्राणियों का घात नहीं करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि या पूज्य पुरुषों के लिए भी बकरा आदि का घात नहीं करना चाहिए। बहुत से प्राणियों के घात से एक बड़े जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है, ऐसा विचार कर कभी भी बड़े जीव का घात नहीं करना चाहिए। सिंह, बिच्छू, सर्प, तेंदुआ आदि अनेक जीवों के घातक हैं, अतः उनको मारने से अनेक जीव बच जाएंगी, इससे पुण्य बंद होगा, ऐसा श्रद्धा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब भी हिंसा ही है। कोई जीव रोग एवं दरिद्रता से अतिशय दुखी है, यदि उसको मार देंगे तो वह दुखों से छूट जाएगा, ऐसा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव शरीर त्याग करने से दुखों से नहीं छूट सकता, उसके अशुभ कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस शरीर से भोगे चाहे दूसरे शरीर से भोगे, यह सब हिंसा ही है। यदि कोई मांसभक्षी भोजन के लिए अपने शरीर का मांस देने के लिए कहे तो अपने शरीर का घात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर का घात करना भी तो हिंसा है। जो पुरुष अहिंसा के धर्म को जान गया है, वह उपयुक्त कुतर्कियों के मिथ्या मतों में कदापि श्रद्धा नहीं कर सकता।